कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू टेक एवी सीख में। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए ऐसी कमाल की शानदार सी एप्लीकेशन लेके आ गया हूँ, जिसके मदद से यहाँ पे आप अपने किसी भी पुराने मोबाइल का, जिसका स्पीकर टोटली तरीके से डेड हो चुका है, उसके स्पीकर को भी आप बढ़ा सकते हैं और उससे भी आप म्यूजिक वगैरह सुन सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपके पुराने मोबाइल में आपको बहुत धीमे साउंड आ रहा है और आप उस भी मोबाइल में कोई म्यूजिक या की वीडियो देखना चाहते हैं क्लियर तरीके से, तो फ्रेंड्स उस केस में आपको आज की वीडियो 100% पसंद आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सिंपली आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। वो कौन सी एप्लीकेशन, कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या क्या सेटअप करना है, यूज कैसे करना है, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, ताकि जो कुछ मैं आपको समझाऊं वो आपको प्रॉपर रूप से अच्छे समझ में आ जाए। और फ्रेंड्स, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यहाँ पे जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें आपको लाइक के बटन दिखाई दे रही होगी, तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स इस लाइक के बटन को प्रेस करके मैं वीडियो को लाइक कर लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे जो रेड कलर की सब्सक्राइब के बटन दिखाई दे रही है उसको प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बगल में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करके यहाँ पे ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं फ्यूचर जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए और आप वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना कर पाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कमेंट सेक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको सिंपली से लिख देना है स्पीकर बूस्टर, तो फ्रेंड्स इतना लिख के आपको सेंड कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइटल प्रेस करना है, टाइटल प्रेस करते वीडियो के डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी, यहाँ पे डाउनलोड एप्स का ऑप्शन आ जाएगा, उसके नीचे एक एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी जहाँ जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करेंगे कुछ स्टेप से इंटरफेस आ जाएगा, इसको आपको ओके कर देना है और यहाँ पे आपको कुछ परमिशंस को अलाउ करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो जो परमिशंस मैं अलाउ कर रहा हूँ सारी परमिशंस को आपको भी अलाउ कर देना है। यहाँ पे देखिए मैंने सारी परमिशंस को यहाँ पे अलाउ कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन में प्रेस करूंगा और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह बताएगा, तो यहाँ पे आपको इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ स्टेप से इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आप सेटिंग वगैरह कर लीजिएगा। यहाँ पे सेटिंग में जाइएगा, मैक्सिमम अलाउ बूस्ट के ऑप्शन में चले जाइएगा। अलाउ बूस्ट के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आप इसको 70% कर दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको डायरेक्ट 100% नहीं करना है, आपके मोबाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मोबाइल कितना पुराना है, उसके स्पीकर की कैपेसिटी कितनी अच्छी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप 70% से ट्राई कीजिएगा, 70% से ट्राई करके अगर आप इसको धीरे धीरे बढ़ाना चाहते हैं तो इसको आप बढ़ा लीजिएगा, लेकिन आप साउंड चेक कर करके बढ़ाइएगा, कहीं स्पीकर फट तो नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे आ जाइएगा। अब यहाँ पे आप कोई म्यूजिक को सुन के आप इसके वॉल्यूम को यहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हैं और यहाँ से अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक एडजस्ट का ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिल जाता है, तो फ्रेंड्स यहाँ से भी आप अपने वॉल्यूम को घटा बढ़ा सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं तो फ्रेंड्स जैसे ही आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो इस टाइप से आपको म्यूजिक के बगल में आइकॉन आ जाएगा, तो फ्रेंड्स वहां से भी आप डायरेक्ट अपने साउंड को घटा बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।